क्या हुआ? मुझे आगे रख, निकलो दोबारा कर। नहीं बहस कर रही हूँ, चलो चलो निकलो, मैं बात नहीं करता। मैं देखो मैं ऐसी लड़कियों से बात ही नहीं करता हूँ। मैं भी ऐसी लड़कों से बात नहीं करता। नहीं हम एक लिफ्ट देंगे, उसके बाद लाइन मारने लगेंगे, कोई ना कोई तरीका तो ढूंढ ही निकालते हैं आप लोग। सो हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग, वेलकम बैक टू माई चैनल डीके यूपी राइडर। तो अभी हम आए हैं आज घूमने के लिए, और अभी मुझे एक लोकेशन दिखी जो साइकिल पथ बना हुआ है होसड़िया चौराहे पे, तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। मैंने कहा दिखाऊँ आप लोगों को, ये बैक साइड में देख लीजिए। अभी निकलते हैं यहाँ से, चलते हैं जनेश्वर पार्क साइड, वहाँ पे कुछ मित्र भी हैं, बैठे हैं तो चाय पीते हैं, और दिखाते हैं आप लोगों को थोड़ा सा लोकेशन वहाँ का। अभी इवनिंग के 4 बजे है लगभग, तो चलते हैं वहाँ पर मिलते हैं। और अपनी रही R15 जो अपनी धन्नो है, ये देख लीजिए अपनी धन्नो रही, और चलिए निकलते हैं यहाँ से और सीधा मोटो ब्लॉक पे मिलते हैं, और आप लोगों को रास्ते का नज़ारा दिखाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा लोकेशन है, ये साइकिल पथ बना हुआ है, बट इस पर बाइक वगैरह भी लोग लेके जाते हैं, और थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, है ना, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। ये रहा जनेश्वर पार्क का रास्ता, इधर से घूम के निकलते हैं थोड़ा। घूमने टहलने जा रहे हैं, शाम का समय है तो सब। अरे भाई पानी भरा हुआ है, यहाँ भी पानी भरा होता है। ये रहा जनेश्वर का गेट नंबर 1, यहाँ पे बहुत सारी भीड़ वगैरह होती है, लोग यहीं से निकलते, देखे कितनी भीड़ है। शाम हो जाती तो काफ़ी भीड़ हो जाती है। भाई ये लड़की रोक रही है, देखता हूँ क्या है। क्या हो गया मैडम, क्या हुआ? चलिए मैं वहीं आगे तक जा रहा हूँ, छोड़ दूंगा आपको, बैठिए। तो कहाँ तक जाना है आपको, आपको कहाँ तक जाना है? गाइस फाइनली उनको छोड़ देते हैं, उनको लिफ्ट चाहिए थी, छोड़ देते हैं आगे, फिर ड्रॉप करने के बाद निकलते हैं, फिर उनसे मिलते हैं। वैसे मैं गेट नंबर 6 पे आ गया, उधर से जो है सगाई। so जहाँ हम आ गए इनको यहाँ छोड़ते हैं, और क्या हुआ मैडम? मुझे ऊपर जाना था। ऊपर जाना तो आप ऊपर से निकल जाइए, मुझे यहाँ से जाके 1090 जाना है ना। बट मुझे तो ऊपर, आप ऊपर से मुझे छोड़ दीजिए ना। ऊपर से मैम ये बताइए, मैं आपको वहाँ पे मुझे जरूरी है जाना है, तो मैं आपको कैसे छोड़ दूँ? नहीं ये बताइए, लिफ्ट मतलब लिफ्ट देना भी गुनाह है? गुनाह नहीं है, लेकिन छोड़ के आइए, आपने मुझे लिफ्ट दी तो वहाँ तक मुझे छोड़ के आइए, बीच रास्ते में तो आपने। अच्छा आप मुझे ये बताओ, लिफ्ट आपको दे दिया मैंने तो वो भी गुनाह, मुझे जाना है यहाँ से 1090 जाना है। नहीं जानती, मुझे छोड़ के आइए। वुमेन मतलब ऐसे बहस करोगी आपकी, मुझे छोड़ के आइए? मैं बहस नहीं कर रही हूँ आपको। फिर छोड़ के आइए, जो बीच रास्ते में आप इस तरह किसी लड़की को छोड़ के चले जाएंगे? अरे यार लड़की हो तो लड़कियों को छोड़ के नहीं जाया जाता, आपका रास्ता अलग है मेरा अलग है। वैसे आपको मैंने लिफ्ट भी दे दी ऊपर से, मैं गलत यही है, एक लिफ्ट देंगे उसके बाद लाइन मारने लगेंगे। गजब बेइज्जती है, कोई ना कोई तरीका तो ढूंढ ही निकालते हैं आप लोग। अच्छा मतलब लिफ्ट आपने मांगा मुझसे? बेशक मैंने मांगा लिफ्ट, आपने मांगा और मैं, आप लोग लाइन मारने का कोई मौका, मैं लाइन आपको मार रहा हूँ, लिफ्ट आपने मांगा और लाइन मैं मार रहा हूँ। आप मार रहे हैं, या तो आप मुझे ऊपर छोड़िए या तो नहीं, ये भी तो मैं कह सकता हूँ कि लाइन आप मार रही हैं, ये तो मैं कह, नहीं 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 ये मैं कह सकता हूँ। आपसे मुझे ऊपर तक छोड़ आइए,
तो आपको ऊपर, अच्छा ये बताइए मैं क्यों छोड़ू आपको? मैं जानता हूँ कि मैं आपको छोड़ू, यहाँ तक ले आया वही बहुत है। नहीं मैं लाइन मारने की बात ही नहीं कर रहा हूँ, नहीं लाइव है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरे पास प्रूफ है कि मैं लाइन नहीं मार रहा हूँ। आपने मुझे बोला कि लिफ्ट आपने मांगी है, अरे यार हद है, मतलब पापा की परी के तरीके को कुछ भी बोलोगी, और क्या हो, पापा की परी तो हो ही। नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं लात क्यों मार रही हो गाड़ी पे, मुझे नहीं छोड़ना ना, सुनो देखो मुझे नहीं छोड़ना, तुमने मांगा कि मुझे जो है लिफ्ट दे दीजिए, छोड़ दीजिए, आगे तक मुझे जाना है अलग रास्ते, तुम्हारा रास्ता अलग है, और फिर बहस कर रही हो यार। हाँ बहस कर ही रही हो, नहीं बहस कर ही रही हो, नहीं बहस कर ही रही हो, नहीं बहस कर रही हो, चलो चलो निकलो, मैं बात नहीं करता, मैं देखो मैं ऐसी लड़कियों से बात ही नहीं करता हूँ, नहीं हम जैसे अच्छे हैं, हम जैसे अपने लिए अच्छे हैं, मैं लड़कियों से बात ही नहीं करता हूँ, समझ में आया? एक तो मैंने लिफ्ट दे दी, ऊपर से बदतमीजी कर रही हो। नहीं बदतमीजी तुम कर रही हो, क्योंकि मैंने लिफ्ट, अरे निकलो चलो चलो यार निकलते हैं। बताओ ये लड़की जो है ऐसे बदतमीजी कर रही, भाई एक तो लिफ्ट दो, ऊपर से जो है कह रही है कि लाइन मार रहे हो, शकल ना सूरत यार, मैं लाइन मारूंगा उसको, बताओ। अच्छा दोबारा मैं देखता हूँ, लड़की जो है मुझे कह रही थी ऊपर से जाना है, देखता हूँ मैं इसका थोड़ा सा पीछे से देखता हूँ कि जाती कहाँ है, ये है ना, यहीं से मैं घूमता हूँ और देखता हूँ वो जा कहाँ रही है। भाई कैसी कैसी लड़कियाँ मिल जाती हैं, ऐसे लड़कियां होती हैं, देख लो अभी भी, देखो अभी भी यहीं खड़ी है लड़की, उसको जाना था देखो ऊपर से, लेकिन देखो ये इधर ही से जा रही है ना, ये देखो इसको थोड़ा सा मैं हॉर्न बजा के दिखाऊं, तुम तो उधर जाने वाली थी, कह रही थी मुझे ऊपर से जाना, फिर नीचे से ही जा रही हो, मर्जी तब अभी बहस कर रही थी, देख रहे हैं, कह रही है कि मुझे, कह रही निकलो, भाई मुझे देखना था, मैंने कहा देखूं क्या करती है, अब उधर से जा रही है, पता चला हमारे साथ जा रही है, अब आगे अभी कोई और लिफ्ट मांगेगी किसी से, फिर क्या होगा, यही सब होता है, इसलिए उसको मैंने नहीं छोड़ा, क्योंकि अभी कल को प्रॉब्लम कर देगी, कहेगी कि नहीं मुझे जो है छेड़ रहे थे, अब वहाँ कह रही मुझे यहाँ छोड़ दो, अब कहाँ ले जाना है, कहाँ नहीं ले जाना है, फिर वहाँ जाके मुझे फंसा दे, कुछ भी कह सकती है ना, देखो वहीं मतलब छोड़े वहीं पे जहाँ पे मुझे जाना था, इधर ही आना था मुझे 10:90, तो जहाँ पे मैंने छोड़ा वहाँ पे बहस करने लगी, तो आगे अगर मैं उसको छोड़ देता फिर क्या होता, हेल्प करने लायक था? आप लोग खुद कमेंट करके बताइएगा हेल्प करने लायक था नहीं था। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना ना भूलें, और हाँ आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके, ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियो मिलती रहेंगी, जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, बाय बाय, फिर मिलता हूँ एक नए ब्लॉग में।